हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आजकल रिवीजन ईपीएफओ हम लोग कर रहे हैं। एग्ज़ाम आने वाला है 5 सितंबर को, तो उसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस सीधे ना आए, लेकिन उसके डिस्कशन से हमको बहुत सारी बातें पता लग जाती हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। क्वेश्चंस मैं वहीं से फ्रेम कर रहा हूँ जिन बुक्स से यूजुअली मुझको दिखा है कि क्वेश्चंस ईपीएफओ में आए हैं, चाहे वो एनसीईआरटीज हो, 11th क्लास 12th क्लास की, या थीम्स एनसीईआरटी हो, थीम्स 1, 2, 3, और फिर 3 ज़्यादा है, मॉडर्न इंडिया के ज़्यादा आते हैं, या फिर शेखर बंदोपाध्याय से भी सीधे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, या बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया। और पॉलिटी के क्वेश्चन जो संबंधित हैं वर्कर्स से, लेबर से, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यूजली इनसे ज़्यादा आ जाते हैं, पंचायती राज वगैरह, तो वो उस बेसिस पे इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चन का जो करेक्टर है वो एक लॉजिक पे बेस्ड है। तो चलिए आज थर्ड सेशन करते हैं। पहले के 2 सेशंस आई होप यू डेफिनेटली हैव इंजॉयड। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ए लॉ मेंबर वॉज एडेड टू गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। किस इनमें से किस कानून से गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर जोड़ा गया था? 19th सेंचुरी की शुरुआत है, बहुत सारे नए विचार इंग्लैंड में चल रहे थे, इंग्लैंड में चेंजेस आने लगे थे बहुत सारे, लिबरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिबरल माइंडसेट का था, वहाँ एज ऑफ रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, और लॉ पे एम्फेसिस बहुत था कि गवर्नमेंट शुड वर्क अंडर द लॉ, और वहाँ कंसेप्ट इस्तेमाल होने लगा है रूल ऑफ लॉ का। उसका कुछ हल्का सी छाया शेड भारत पे भी पड़ता है, तो यहाँ चेंजेस लाने की बात की गई कि यस, इंडिया में भी देयर शुड बी सम सेम्बलेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये सोचते हुए 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार एक लॉ मेंबर जोड़ा गया इन द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। टी बी मैकॉले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर। आगे चल के लॉ कमीशन बनाया जाता है जिसमें लॉ ड्राफ्ट होंगे और CRPC CPC बन जाते हैं। तो इट वॉज चार्टर एक्ट 1833, पहली बार एक लॉ मेंबर जुड़ा है इन द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर काम करेगा। कंपनी के ऊपर इंग्लैंड सरकार ने अपना एक कंट्रोल कर लिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। 1813 का चार्टर एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था ब्रिटिश गवर्नेंस इन इंडिया में, जिसमें अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकार सब खत्म कर दिए गए थे, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड विद टी। उनके व्यापारिक काम ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिए गए 1833 में, उनका सारा ही व्यापार का काम खत्म कर दिया गया है, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी। 1853 के चार्टर एक्ट में फिर लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस चेंज कर दिए गए थे, अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करेगी। तो इट वॉज 1833 का चार्टर एक्ट है जिसमें पहली बार लॉ मेंबर आया, और आगे चल के लेजिस्लेटिव काउंसिल एक सेपरेट बॉडी के तौर पर काम करना शुरू कर देगी, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट कुछ दिखने लगा था। तो इट वॉज 1833 का चार्टर कानून, पास इन द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक। द वायसराय हु ऑफिशियली मूव्ड हिज काउंसिल टू शिमला सेटिंग सील टू द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कैपिटल ड्यूरिंग द समर सीजन वॉज, देखिए ये थीम 3 NCERT का क्वेश्चन है कि शिमला ऑफिस ले जाने की प्रैक्टिस किसने शुरू की? तो इट वॉज लिटन, जॉन लॉरेंस, रिपन और कर्जन। तो इट वॉज जॉन लॉरेंस हु वॉज वायसराय फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, ही स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस, उसके बाद ये प्रैक्टिस चलती ही रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेकन फ्रॉम थीम 3 NCERT क्लास 12th। जॉन लॉरेंस ने ये प्रैक्टिस शुरू की थी, बाद में शिमला एक समर कैपिटल होने ही लगी थी। जॉन लॉरेंस इज ऑल्सो नोन फॉर पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इन अफगानिस्तान। चूंकि अफगानिस्तान इस समय टर्मोइल में है, तो ये लॉजिकल बात बनती है। विच वायसराय वॉज प्राइमरली नोन फॉर द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इन अफगानिस्तान? इट वॉज जॉन लॉरेंस। मतलब अफगानिस्तान के मसलों में ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट हो उसके साथ एमिकेबल रिलेशन हमको रखने हैं। इससे लिटन जो था ये फॉरवर्ड पॉलिसी, लेट अस इंटरफियर इन द इश्यूज ऑफ अफगानिस्तान ताकि रशिया का इन्फ्लुएंस वहाँ ना हो पाए। तो जॉन लॉरेंस इज ऑल्सो नोन फॉर द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, बाय द वे मैंने आपको बताया क्योंकि ये आजकल चल रहा है। तो इट वॉज जॉन लॉरेंस हु स्टार्टेड दिस थिंग।
In 1864, the Viceroy John Lawrence officially moved his ये आंसर मैंने बता दिया आपको. थीम 3 एनसीईआरटी पेज 328, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए. विद रेफरेंस टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तीन स्टेटमेंट हैं, उनको देखिए बताइए कौन से सही है. ही फाउंडेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, पहला. ही रोट अ बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वेरी फेमस, सेकेंड तो सही है ही है. दादा भाई नौरोजी रोट ऑन द यू कैन से इकोनॉमिक्स सिस्टम्स ऑफ द ब्रिटिश. एम जी रानडे रोट अ लॉट अबाउट दिस थिंग. तो क्या थीसिस जो लिखी गई थी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, एम जी रानडे, आर सी दत्ता या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो तीनों ही उनके बारे में है. ही रोट, उन्होंने अपने मास्टर डिग्री की थीसिस लिखी है नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया. ये किताब तो उनकी हुआ ही करती है. और 1936 में उन्होंने ILPA पॉलिटिकल पार्टी फाउंड की है. और 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत, उसमें इन्होंने इलेक्शन जीता भी है. तो ऑल द थ्री आर करेक्ट अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर अम्बेडकर इन 1936 फाउंडेड हिज इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन अ बिड टू मोबिलाइज द पुअर एंड द अनटचेबल्स ऑन अ ब्रॉडर बेसिस देन कास्ट अलोन ऑन अ प्रोग्राम दैट प्रपोज टू एडवांस द वेलफेयर ऑफ द लेबरिंग क्लासेस. सिर्फ ही अनटचेबल्स की पार्टी नहीं थी, बियॉन्ड अनटचेबल्स इवेंट लेबर इशूज़ के लिए उन्होंने ये पार्टी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में सोच के पार्टी बनाई है. In the elections of 1937, his party won a spectacular victory in Bombay, winning 11 of the 15 reserved seats. जीते भी थे 15 में से 11 सीटें. 1942 में वो लेबर मेंबर बन गए थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस समय कहते थे. 1942 में ही उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन. एक उनकी और पार्टी बनी थी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन. तो दिस वॉज डॉक्टर अम्बेडकर. तो एग्जाम एग्जाम में कुछ भी इसमें से आ सकता है. हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन इंग्लैंड इन 1890. कांग्रेस 1885 में बनी है, लेकिन कांग्रेस अपना एक कमेटी इंग्लैंड से भी चलाती थी. इंग्लैंड में भी कांग्रेस का एक ऑफिस खुलेगा, दफ्तर खुलेगा, और कांग्रेस के मुद्दों के लिए वो बॉडी वहाँ पर काम करेगी. तो उसको कहते थे ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लंदन में हुआ करती थी. तो इसका जो पहला चेयरमैन कौन था, विलियम डिग्बी या विलियम वेडरबर्न या दादा भाई नौरोजी या WC बनर्जी? ये काफ़ी पहले दोनों के दोनों इंग्लैंड में काम कर चुके थे भारतीय कॉज के लिए. कमेटी बाद में बनती है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और पहले अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न. 1918 तक ये इस बॉडी को चलाएंगे. 1918 में बॉडी वाइंड अप कर दी जाएगी, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. दिस कमेटी यूज टू ब्रिंग आउट अ जर्नल अबाउट इंडिया, भारत के बारे में ये एक जर्नल निकालते थे, नाम था इंडिया. भारत के मुद्दों के लिए इंग्लैंड में कांग्रेस एक पत्रिका निकालती थी, नाम था इंडिया. तो इट वॉज विलियम वेडरबर्न. ब्रिटिश कमेटी ऑफ कांग्रेस 1889, पर्पज वॉज अवेयरनेस ऑफ इंडियन इशूज टू द पब्लिक इन ब्रिटेन टू हुम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल. इट फॉलोड द वर्क ऑफ WC बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी हु रेस्ड इंडिया रिलेटेड इशूज इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द सपोर्ट ऑफ रेडिकल MPs लाइक चार्ल्स ब्रेडलॉग. विलियम वेडरबर्न सर्वड एज द फर्स्ट चेयरमैनशिप एंड विलियम डिग्बी बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, वही मेरी टाइपिंग मैं ही करता हूँ, उससे गलतियाँ हो जाती हैं. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, द ब्रिटिश अबैंडन्ड देयर प्रीवियस पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग द सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया. 1857 का रिवोल्ट हुआ है और अंग्रेज़ों ने जो पहले की उनकी पॉलिसी थी कि हम सोशल रिफॉर्म्स भारत में करेंगे, सती एबॉलिश करेंगे, स्लेवरी एबॉलिश करेंगे, इन्फेंटिसाइड उसे ख़त्म करेंगे, एजुकेशन के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, वो उसे अबैंडन कर देते हैं. 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसी बदली है कि हम सोशल प्रीवियस पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया को छोड़ देंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि रिवोल्ट का एक सबसे बड़ा कारण हमारा यहाँ के कस्टम्स में हस्तक्षेप करना है, इसलिए हमको रिवोल्ट से बचने के लिए
यहाँ के कस्टम्स में पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऐसा ही सोचा गया था कि सोशल रिफॉर्म्स में हस्तक्षेप हमने किया है, सती अबॉलिश किया है, स्लेवरी है, बहुत सारे चेंजेस हम ला रहे हैं इससे, और ये बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय कह रहे हैं कि हमारे धर्मों के कस्टम्स में अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। 1916 होम रूल मूवमेंट चला था, 1916-17 में एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार वगैरह, यहाँ पर तिलक की होम रूल लीग्स काम करेंगी, रेस्ट ऑफ इंडिया में एनी बेसेंट की लीग्स काम करेंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि बॉम्बे शहर में जो होम रूल लीग थी वो किसकी थी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार वगैरह में तिलक की लीग काम कर रही थी, रेस्ट ऑफ इंडिया में एनी बेसेंट की लीग्स काम कर रही थी, बट बॉम्बे सिटी वॉज अंडर हुज कंट्रोल? इट वॉज नॉट तिलक। महाराष्ट्र में तिलक थे बट बॉम्बे सिटी में एनी बेसेंट की लीग काम करती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बिपिन चंद्रा। इट वॉज एनी बेसेंट हुज लीग वॉज वर्किंग इन द सिटी ऑफ बॉम्बे, दो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र वॉज अंडर बाल गंगाधर तिलक्स होम रूल लीग। तो इट वॉज एनी बेसेंट, नॉट बाल गंगाधर तिलक, इवन दो महाराष्ट्र वॉज अंडर हिम। यही पर तिलक ने इस मूवमेंट के दौरान बोला है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। याद रखेंगे, होम रूल मूवमेंट वॉज नॉट द मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वॉज लेड बाई तिलक एंड एनी बेसेंट ऑन देयर ओन। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी, कांग्रेस का मूवमेंट ये नहीं था, इट वॉज नॉट मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Who of the following led a delegation in 1917 to London to meet Secretary of State Montagu to demand female franchise? भारतीय महिलाओं का एक दल इंग्लैंड गया है, वो भारतीय महिलाओं के लिए राइट टू वोट की बात करने गई हैं, तो वो जो दल गया है वो उसे किसने लीड किया था? एनी बेसेंट ने किया है, वो उस समय अध्यक्ष भी थी कांग्रेस की, उस साल बनी है, सरोजिनी नायडू हैं या मार्गरेट कजिन्स हैं या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं? अगेन क्वेश्चन फ्रॉम शेखर बंदोपाध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर एग्जाम्स, ऑल यूपीएससी एग्जाम्स, और सीएपीएफ है या ईपीएफओ है, इनमें तो बहुत क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, इवन यूपीएससी भी अब वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देने लगा है। तो इट इज़ सरोजिनी नायडू, इन 1917 इट इज़ सरोजिनी नायडू हु लेड अ डेलीगेशन ऑफ वीमेन टू इंग्लैंड टू मीट मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिमांडिंग कि हमको फीमेल फ्रेंचाइज दिया जाए। बाद में इसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें फीमेल फ्रेंचाइज की कहीं बात की नहीं गई है। 1920 से 1930 तक राज्यों ने अपने स्तर पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार और एमएलए बनने का अधिकार दे दिया है। आगे चल के मुट्ठू लक्ष्मी रेड्डी तमिलनाडु में मद्रास में पहली महिला लेजिस्लेटर बनती हैं भारत की, ये बात का डेवलपमेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में फीमेल फ्रेंचाइज के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये देखिए, आगे चल के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनती हैं 1925 में। द वाइसराय हु कंट्रीब्यूटेड टू द प्रमोशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आपको रिवाइज कराने के लिए, इट वॉज रिपन। रिपन ने पास किया है रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में पास कर देते हैं, इसलिए रिपन को कहा जाता है भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पूरे भारत में बनने चाहिए लोकल बोर्ड्स, इनको फंड्स भी दिए जाएं और पावर्स भी दिए जाएं और लीस्ट कंट्रोल फ्रॉम सेंटर, कोशिश की जाए इनका जो चेयरमैन हो वो इलेक्टेड हो, जहाँ जहाँ इलेक्शंस हो सकते हैं वहाँ वहाँ इलेक्शंस कराए जाएं। तो रिपन वॉज द वन हु इन 1882 पास्ट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसीलिए पंचायती राज सिस्टम की बात होती है भारत में तो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले नाम आता है रिपन का, हु वॉज वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1882-84। तो दिस वॉज रिपन, पूरे भारत में लोकल बोर्ड बनाए जाएं, जहाँ जहाँ संभव हो हालात अलाउ करते हो इलेक्शंस करा दिए जाएं, कोशिश करें कि हर लोकल बोर्ड का चेयरमैन इलेक्टेड हो और इनको फंड्स दिए जाएं, पैसे दिए जाएं, गवर्नमेंट का लीस्ट कंट्रोल होना चाहिए।
Which of the following statements is not correct? Gandhiji suggested to the Khilafat Committee that it should adopt a program of non-violent non-cooperation to protest against government's unfavorable attitude. Khilafat Committee जो बन चुकी है 1919 में, उसको गांधी जी कहते हैं कि आप एक non-violent non-cooperation system शुरू कीजिए जिसमें हम government के attitude के against काम करेंगे. पहला statement, in the Nagpur session in 1920, मोतीलाल नेहरू मूव्ड नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन. और आपको याद है सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ है जिसमें लाजपत राय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस ने बोला है. पहले तो खिलाफत कमेटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की थी, लेकिन 1920 सितंबर में गांधी जी ने कांग्रेस को मना लिया है कि नहीं, कांग्रेस खिलाफत कमेटी के साथ मिलकर चलाएगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो जब दिसंबर सेशन आता है 1920 का, तो इट वॉज चितरंजन दास नॉट मोतीलाल नेहरू हु मूव्ड नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन. इनिशियली चितरंजन दास वॉज नॉट रेडी कि कांग्रेस को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहिए, लेकिन जो दिसंबर सेशन होता है एनुअल सेशन, उसमें चितरंजन दास ने ही मूव किया था नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन की ओके लेट अस गो फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो सेकेंड इज नॉट करेक्ट. द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन इंक्लूडेड द सरेंडर ऑफ ऑनर्स एंड टाइटल्स. यस, ये भी एक प्रोग्राम था कि जिनको टाइटल्स मिले हैं, ऑनर्स मिलते हैं, वो सरकारों को वापस कर दें. किसी तरीके से हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे. एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग हेल्ड एट विजयवाड़ा इन 1921, AICC की मीटिंग हुई थी. ये AICC की मीटिंग है, ये कांग्रेस का एनुअल सेशन नहीं है. द इनिशियल डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज प्रपोज बाई पिंगल वेंकैया. यस, 1921 के सेशन में गांधी जी को, कांग्रेस को पिंगल वेंकैया नाम के व्यक्ति ने झंडे का एक प्रारूप दिखाया था जो ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया गया था. वही हमारा झंडा बनता है. पहले कांग्रेस का झंडा था, बाद में भारत का झंडा बन जाता है. तो द फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिजाइंड बाई पिंगल वेंकैया हु प्रेजेंटेड दिस प्रारूप टू गांधी जी और कांग्रेस इन 1921 विजयवाड़ा सेशन. करेक्ट है. तो ये सेकेंड गलत है, बाकी तीनों सही हैं. पिंगली वेंकैया एंड इट वॉज अप्रूव्ड बाई द कांग्रेस गांधी आफ्टर मेकिंग सम फ्यू चेंजेस. It was in 1921 Vijayawada session of AICC. Consider the following statement. Dayanand Saraswati attacked idolatry, polytheism, religious rites, superstitious practices. उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ काम किया, multiple gods के लिए पूजा में के अगेंस्ट वो थे. obviously जो कर्म कांडीय धर्म है उसके अगेंस्ट हैं, superstitions के अगेंस्ट हैं, obviously बिल्कुल सही है. He also denounced untouchability. बिल्कुल इसके खिलाफ भी हुआ करते थे वो, छुआछूत के खिलाफ थे. ही पब्लिश्ड हिज व्यूज इन हिज फेमस वर्क सत्यार्थ प्रकाश. बहुत कॉमनली नोन है सत्यार्थ प्रकाश, उनकी इंपॉर्टेंट किताब है. ही सब्सक्राइब टू द डॉक्ट्रिन ऑफ नियति प्रीडेस्टिनेशन, जो माना जाता था रिलीजन में कि सब कुछ पहले से तय है, उसको वो मानते थे. ये गलत है, वो बिल्कुल नहीं मानते थे. वो कहते थे अपने कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है. वो बिल्कुल भी प्रीडेस्टिनेशन में या डेस्टी में विश्वास नहीं रखते थे. तो ये चौथा गलत है कि ही सब्सक्राइब्ड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ नियति, ही डिड नॉट बिलीव इन डेस्टी. यू योर सेल्फ कैन चेंज द थिंग्स, वो कहा करते थे. तो पहले तीन सही हैं उनके बारे में, चौथा गलत है. तो फर्स्ट ये थ्री आर करेक्ट. दयानंद सरस्वती हु स्टार्टेड आर्य समाज इन बॉम्बे. आर्य समाज शुरू हुआ बॉम्बे से था, लेकिन बाद में उसका हेडक्वार्टर्स लाहौर हो जाएगा. फिर वो यूपी और पंजाब में ज़्यादा चलेगा. एजुकेशन में बहुत काम किया आर्य समाज ने. कॉलेज फैक्शन और गुरुकुल फैक्शन, कॉलेज फैक्शन लाला लाजपत राय, लाला हंसराज चलाएंगे. तो फिर DAV स्कूल्स कॉलेजेस बनने शुरू हो जाएंगे. लाला मुंशीराम, जिनका नाम स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा, वो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय खोलेंगे. तो दयानंद सरस्वती के बारे में ये क्वेश्चन, दिस थिंग. वो चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट भी थे. वो कहते थे इंडियंस आर चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन, भारतीय बच्चों के बच्चे हैं, जल्दी शादी हो जाती है तो बच्चों के बच्चे होते हैं. ही वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. वो कहते थे भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस. वो कहते थे गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो. वेदों की ओर लौटो का मतलब है वेदों में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उनको फॉलो करो. वेदों का कर्म कांड जो आपने समझा है वो आपकी गलत इंटरप्रिटेशन है. वो कहते थे वेदाज आर इनफॉलेबल, दे आर फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज, सारे ज्ञान का स्रोत वेद हैं, वो कहा करते थे. विवेकानंद ने उपनिषदों पे बल रखा, दयानंद ने वेदों पे बल रखा.
Which of the following was not included in the Gandhi-Irwin Pact 1931? Gandhi-Irwin Pact से तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है. 1931 में गांधी जी के साथ वार्ता होती है. इरविन गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जब डांडी मार्च उन्होंने की थी उसके बाद मई 1930 में उनको जेल डाल दिया जाता है, यरवदा जेल में डाल दिए जाते हैं. उधर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन बिना कांग्रेस के भारत का कोई फैसला संभव नहीं है. इसलिए बोला गया है इरविन को इंग्लैंड से कि किसी तरीके से कांग्रेस को मनाओ, लाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. इसलिए गांधी जी उससे पहले जाने से पहले फिर वहाँ एक गांधी इरविन वार्ता होती है. गांधी इरविन वार्ता वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन राष्ट्रपति भवन. उस समय वायसराय पैलेस कहते थे, जो आज राष्ट्रपति भवन है उसमें जो पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था दैट वॉज द गांधी इरविन वार्ता. इट वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट दैट टुक प्लेस इन राष्ट्रपति भवन. उस समय वायसराय की लॉज या पैलेस कह दिया करते थे. तो यहाँ पर उनके बीच में क्या खास बात हुई, ये है इमीडिएट रिलीज ऑफ गांधी जी ने डिमांड किया है. जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स आपने अरेस्ट किए हैं बिकॉज ऑफ मूवमेंट, दो नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, जिन पे वायलेंस ज़्यादा वायलेंस के चार्जेस नहीं है उनको तुरंत छोड़ दिया जाए. पहला गांधी जी का डिमांड. पेमेंट ऑफ सूटेबल कंपनसेशन टू द रिलीज प्रिजनर्स, जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनको मॉनिटरी कंपनसेशन दिया जाए, ये मेरी डिमांड है. गांधी जी ने बोला है अरविंद को. रिटर्न ऑफ कन्फिस्केटेड लैंड येट नॉट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज, जो अंग्रेज़ों ने ज़मीनें जब्त की हैं भारतीयों की, अगर वो थर्ड पार्टी को नहीं बेच दी गई हैं तो उनको वापस किया जाए भारतीयों को. चौथा रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स येट नॉट कलेक्टेड, जितने फाइन्स आपने लगा रखे हैं भारतीयों पर यदि कलेक्ट नहीं हुए हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाए, उस आदेश को वापस ले लिया जाए. इनमें से कौन सा डिमांड गांधी जी की इरविन के साथ नहीं थी? ओब्वियसली ये कंपनसेशन वाला जो था इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ गांधी इरविन वार्ता इन 1931. तो बाकी तीनों मान ली गई हैं बट ये दूसरी वाली तो थी नहीं. इसके बाद फिर फैसला होता है, कांग्रेस इसे एंडोर्स कर देती है. गांधी जी पार्टिसिपेटेड एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो इट इज गांधी इरविन पैक्ट. इसी में गांधी जी ऑल्सो ट्राइड टू somehow get pardoned death sentence of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, but that could not happen. So these were certain questions of modern Indian history. Now certain questions of polity. The Constituent Assembly was entrusted with the task of framing a constitution on the basis of a broader framework provided by the British government. Samvidhan Sabha को संविधान बनाने का कार्य सौंपा था अंग्रेज़ों ने और ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे दिया था कि इसके तहत आपको संविधान बनाना है. पहला स्टेटमेंट. दूसरा, संविधान सभा कुड ओनली बी डिसॉल्व बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. और फ्रेमवर्क में ये भी मेंशन है कि जब ये संविधान सभा संविधान बना लेगी तो इसको अंग्रेजी पार्लियामेंट के रिजोल्यूशन से डिसॉल्व कर दिया जाएगा. दोनों गलत हैं. कैबिनेट मिशन प्लान में ये तो लिखा है कि इसका ये बनेगी कैसे, इसके इलेक्शंस वगैरह कैसे होंगे. इसके अलावा कोई अंग्रेज़ों ने नहीं बताया है. संविधान सभा को खुद तय करना है कि उसे संविधान सिस्टम कैसे बनाना है, क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है. तो उन्होंने ये तो बता दिया है कैबिनेट मिशन प्लान में इलेक्शन ऐसे होगा और ये बन जाएगी, पर इसके बियॉन्ड कुछ भी संविधान सभा का पे अधिकार अंग्रेज़ों का नहीं था. और संविधान सभा को जैसे पार्लियामेंट को अधिकार होता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाने का, संविधान सभा सोवरन बॉडी है, फ्री है, वो अपने रूल्स एंड प्रोसीजर बनाती है. उसमें लिखा हुआ है कि हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो दो तिहाई मेजॉरिटी से जिस दिन पास कर देंगे तो संविधान सभा डिसॉल्व हो जाएगी. तो इसको डिसॉल्व करने का काम संविधान सभा ने अपने पास रखा है अपने रूल्स बनाकर. अंग्रेज इसे डिसॉल्व नहीं करेंगे एज पर द रूल्स ऑफ दिस थिंग. तो दोनों ही गलत हैं, बोथ आर नॉट करेक्ट. ठीक है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जिसका प्रोविजन आया था. Which of the following bodies can be described as heart and soul of the Panchayati Raj system? Panchayati Raj hai ye. Which of the following bodies can be described as heart and soul of Panchayati Raj system? Panchayati Raj system ka heart and soul kise kaha jata hai? Gram Sabha ko kehte hain ya Part 9th of the Constitution ko kehte hain, District Planning Committee ko kehte hain, Zila Parishad ko kehte hain, none of the above ko kehte hain. Inme se kise kehte hain ki heart and soul of Panchayati Raj system? तो पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिससे संविधान में पंचायतों के लिए प्रोविजंस आ गए थे.
है ना। उससे पहले डीपीएसपी में लिखा है आर्टिकल 40 में कि पंचायतें बनानी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ पंचायतों के बारे में नहीं था। बलवंत राय मेहता कमेटी से लेकर एलएम सिंघवी कमेटी तक बहुत सारी कमेटीज़ ने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए, फाइनली बिल पास हुआ और बन गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे पार्ट 9th और पार्ट 9th ऐड हो जाते हैं एज पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट। उससे फिर पंचायतों के सारे अधिकार आर्टिकल 243 से शुरू होते हैं, फिर 243 ABCD इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स हुआ करते हैं। तो इनमें से किसको कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ पंचायती राज सिस्टम? ना तो इसको कहते हैं, ना इसको कहते हैं, ना इसको कहते हैं, ग्राम सभा को कहते हैं। जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में कौन होते हैं? जितने वोटर्स होते हैं गाँव में, जितने एडल्ट मेंबर्स हैं गाँव में, वो कहलाते हैं ग्राम सभा। ऑल द एडल्ट मेंबर्स हु आर एलिजिबल टू वोट आर कॉल्ड वॉट? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इज कॉल्ड द वॉट? हार्ट एंड सोल ऑफ पंचायती राज सिस्टम, इसको कहते हैं। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा में जितने एलिजिबल वोटर्स होते हैं गाँव में, रजिस्टर्ड वोटर होते हैं गाँव में, वो कहलाते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा एक बॉडी है जो अकाउंटेबिलिटी लेती है ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत इलेक्शन से आती है बनकर, ग्राम सभा जितने भी लोग हैं गाँव के एडल्ट हैं वो ग्राम सभा के मेंबर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत होती है, पंचायत समिति तालुका लेवल पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत पंचायत की पंचायत होती है। तो थ्री टीयर सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था, अशोक मेहता कमेटी ने टू टीयर सिस्टम बता दिया था। तो दिस इज ग्राम सभा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सेशंस कोर्ट इन सबॉर्डिनेट जुडिशरी मीन्स अ क्रिमिनल कोर्ट। द सेशंस कोर्ट इन सबॉर्डिनेट जुडिशरी मीन्स अ क्रिमिनल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसमें दो कोर्ट होते हैं, सेशंस कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। आपने देखा होगा कोर्ट के बाहर लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आगे लिखा रहता है। तो दो तरीके के, जो क्रिमिनल डायमेंशन होती है उसे कहते हैं सेशंस कोर्ट, और जो रेवेन्यू सिविल होती है उसे कहते हैं सिविल कोर्ट। तो सेशंस कोर्ट इन द सबॉर्डिनेट जुडिशरी मीन्स अ क्रिमिनल कोर्ट, बिल्कुल सही है। जब डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल कोर्ट के तौर पे अध्यक्ष बन के बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहलाते हैं, अदरवाइज वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। और सेशंस कोर्ट कैन नॉट अवॉर्ड अ डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस देने का अधिकार सेशन कोर्ट को नहीं होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट है उसे डेथ सेंटेंस देने का अधिकार नहीं है। यू वेरी वेल नो इट इज़ रॉन्ग। सेशंस कोर्ट डेथ सेंटेंस दे सकता है, लेकिन ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक उस राज्य के हाई कोर्ट से इसे अप्रूवल नहीं मिल जाएगा। राज्य के हाई कोर्ट को अप्रूव करना पड़ेगा। सेशंस कोर्ट कैन अवॉर्ड डेथ सेंटेंस बट इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये सही है, ये गलत है कि दे कैन नॉट अवॉर्ड अ डेथ सेंटेंस। फर्स्ट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डज डू नॉट फॉल इन द यूनियन लिस्ट। इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में नहीं आता है? ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में नहीं है? पब्लिक ऑर्डर, रेलवे पुलिस, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में नहीं है? पब्लिक ऑर्डर यू नो इज ए पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में होता है। लिस्ट नंबर टू, रेलवे इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट, रेलवे यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, बट रेलवे पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये भी स्टेट सब्जेक्ट में होता है। रेलवे पुलिस, जो ट्रेन में पुलिस चलती है, इट इज ऑल्सो वॉट स्टेट सब्जेक्ट, नॉट सेंट्रल सब्जेक्ट, रेलवे इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये भी स्टेट लिस्ट में होता है। तो ऑल द थ्री आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, ऑल द थ्री आर पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तीनों ही यूनियन लिस्ट के पार्ट नहीं है, स्टेट लिस्ट के पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक फ्रीडम्स। इनमें से कौन सा बेसिक फ्रीडम नहीं है? संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या होते हैं बेसिक फ्रीडम्स, बट मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 19(1) में जितने भी अधिकार हैं ये कहलाते हैं बेसिक फ्रीडम्स। आर्टिकल 19(1)(a) से लेकर जी तक ये जो हुआ करते हैं, पहले 7 थे अब 6 रह गए हैं। ऑल द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन 19(1) आर कॉल्ड बेसिक फ्रीडम्स। तो इनमें से कौन सा बेसिक फ्रीडम नहीं है? राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन,
इट इज 19(1)(c) है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इट इज 19(1)(c) है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 है, 21(A) है, ये बेसिक फ्रीडम नहीं है, राइट टू प्रोफेशन आर्टिकल 19(1)(g) है, तो ये 19 वाले जितने हैं ये बेसिक फ्रीडम कहलाते हैं। आर्टिकल 21A एडेड बाई 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 जिसने ऐड किया था, इट इज़ नॉट बेसिक फ्रीडम, इट इज़ फंडामेंटल राइट। तो ऑल द बेसिक फ्रीडम्स आर दोज विच आर मेंशनड इन आर्टिकल 19(1)(a) to (g). 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, वो अब बेसिक फ्रीडम नहीं है, फंडामेंटल राइट भी नहीं है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। लीगल राइट वो होते हैं जो कानून से मिलते हैं, फंडामेंटल राइट वो जो संविधान के आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स के तहत होते हैं। तो दिस इज द आंसर। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years। अब ये एक फंडामेंटल राइट है, द अबव राइट इज फंडामेंटल राइट ओनली, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओनली, स्टेट्यूटरी राइट ओनली, बोथ फंडामेंटल एंड स्टेट्यूटरी राइट। एज आई टोल्ड यू, स्टेट्यूटरी राइट्स आर दोज राइट्स विच आर गिवन बाई द एक्ट और स्टेट्यूट, जो कानून से निकलता है। फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो संविधान के पार्ट थर्ड में मेंशन होते हैं। एनी राइट विच इज एमिनेटिंग फ्रॉम पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने भी अधिकार हैं ये फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। तो ये आर्टिकल 21A के बारे में मैंने आपको बताया है, इट इज़ फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसकी डिटेलिंग इस कानून में है। तो इट इज़ बोथ फंडामेंटल राइट एज वेल एज स्टेट्यूटरी राइट, क्योंकि ये कानून से डिटेलिंग कानून में दी गई है। तो ये फंडामेंटल राइट भी है, लीगल राइट भी है, सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं है। 2010 से लागू हो गए थे, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2010, एक्ट पास हो गया था 2009 में, RTE एक्ट 2009। तो इट इज़ बोथ फंडामेंटल एज वेल एज स्टेट्यूटरी राइट। On which of the following subjects area the directive principles do not provide any instruction? इनमें से कौन से मुद्दे पर DPSP part 4th of the constitution from article 36 to 51 taken from Ireland, Irish constitution, DPSP इनमें से कौन सा DPSP में शामिल नहीं है? Establishment of international peace, क्या DPSP इस पर कुछ policy making का सुझाव देता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इस पर देता है। प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कुछ कहता है। राइट्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इसके बारे में कुछ कहता है। तो इट इज़ आर्टिकल 51। फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी चले उसके बारे में डायरेक्शन है, तो यस सही है। आर्टिकल 50 में दे रखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी शुड नेवर बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 48 में लिखा है कैसे एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को अपकीप किया जाए, कैसे मिल्च कैटल है इन सबको ध्यान में रखा जाए। लाइव स्टॉक भी तो बहुत बड़ी एक संसाधन होता है जो गांव में लोग रहते हैं जो किसानी करते हैं, इसलिए इसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाए। राइट टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज ए फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट के लिए होता है। आर्टिकल 30 है जैसे, जहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, आर्टिकल 30 तो फंडामेंटल राइट है, ये DPSP में नहीं आता। हैंस फर्स्ट सेकंड थर्ड आर पार्ट ऑफ DPSP, फोर्थ इज नॉट पार्ट ऑफ DPSP, इट इज़ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली अलाउ करती है स्पेशल पॉलिसीज बनाना फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो 1, 2, 3 एडजर्नमेंट साइनेडाई मीन्स, अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट में हो गया एडजर्नमेंट साइनेडाई, है ना। तो क्या इसका मतलब होता है, जब स्पीकर या चेयरमैन कहता है दिस इज एडजर्नमेंट साइनेडाई, इसका मतलब क्या? एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस फॉर द रिमेनिंग डे, दिन भर के लिए हाउस का काम स्थगित हो गया। एडजर्नमेंट विदाउट एनी डेफिनेट डेट फॉर द नेक्स्ट सिटिंग, या अगली उपस्थिति तक के लिए काम स्थगित कर दिया गया। एडजर्नमेंट टिल द नेक्स्ट डे, या कल तक के लिए एडजर्नमेंट हो गया ऐसे कहते हैं। या सस्पेंशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस टू डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट,
एडजमेंट सैनिटाइज। देखिए, जब भी सेशन शुरू होता है, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, तो उसको समनिंग कहते हैं और सेशन के एंड को कहते हैं एडजमेंट। तो डेली बेसिस पे हाउस शुरू होता है और शाम को हाउस एडजर्न हो जाता है। स्पीकर चेक कहते हैं द हाउस इज एडजर्न टुडे, वी शैल मीट एट 11 AM टुमारो। लेकिन जब वो सेशन बंद करना चाहते हैं, जब उनको लगता है मानसून सेशन हमें एज ए होल ख़त्म करना है, तो स्पीकर चेयरमैन, स्पीकर लोकसभा में, चेयरमैन राज्यसभा में बोल देंगे दिस एडजमेंट सैनिटाइज। इसका मतलब ये है कि अब ये अनिश्चितकालीन स्थगित है, मतलब अब सेशन बंद होने वाला है, आज के बाद हम कोई बैठक नहीं करेंगे। तो ये एडजमेंट सैनिटाइज का मतलब होता है एडजमेंट विदाउट एनी डेफिनेट डेट फॉर द नेक्स्ट सिटिंग। जब स्पीकर अगली उपस्थिति का समय और तारीख न बताए तो उसे कह देते हैं एडजमेंट सैनिटाइज। इट इज़ अ सिग्नल टू द राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति सेशन को एंड करने का ऑर्डर भेज सकते हैं। और जब सेशन का एंड होता है तो उसे कहते हैं प्रोरोगेशन। सेशन की बिगिनिंग को कहते हैं समनिंग और सिटिंग के एंड को कहते हैं, जो बैठक होती है उसे कहते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट सैनिटाइज का मतलब होता है कि जब अगली उपस्थिति का टाइम ना दिया जाए, मतलब अनिश्चितकालीन स्थगित हो गई, मतलब अब सेशन बंद। तो राज्यसभा चेयरमैन ने कह दिया, लोकसभा स्पीकर ने कह दिया दिस इज एडजर्नमेंट सैनिटाइज। लोकसभा का मानसून सेशन खत्म हो गया और राज्यसभा का भी सेशन खत्म हो गया, इस तरीके से सत्र खत्म हुआ। तो सिटिंग के एंड को कहते हैं एडजमेंट और जब स्पीकर चेयरमैन कह दें दिस इज लास्ट वन, तो सेशन खत्म होने को, उसके बाद सेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता, खत्म होने का संकेत दे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज एसर्टेन्स दैट नो मनी इज अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम CFI विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट फंड है भारत का, जिसमें भारत के सारे पैसे रखे जाते हैं, जितने टैक्सेस वगैरह हैं, लोन वगैरह हैं। तो CFI से पैसा निकालने की परमिशन पार्लियामेंट देता है, इसे देखता कौन है कि ये परमिशन मिली है नहीं मिली है? पार्लियामेंट खुद देखता है या CAGI देखते हैं या फाइनेंस कमीशन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है? ये CAGI का काम है। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही लुक्स इनटू कि आपने CFI से पैसा निकालने के लिए परमिशन ली है, और परमिशन को कहते हैं बजट, और बजट में होता है एप्रोप्रिएशन एक्ट। एप्रोप्रिएशन एक्ट का मतलब है कि सरकार पैसा निकाल सकती है कहाँ से? CFI से। तो CFI से पैसा निकालने के लिए सरकार को बजट अप्रूव कराना पड़ता है। बजट में जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो पैसा निकालने की अनुमति देता है, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट। और CAGI फिर बाद में चेक करता है कि आपने जो पैसा खर्च किया है CFI से, उसके लिए क्या आपने बजट पास कराया था? तो गवर्नमेंट कहती थी ये देखिए हमने अप्रोप्रिएशन एक्ट पास कराया हुआ है, इससे हम पैसा निकाल रहे हैं। तो ये काम होता है CAGI का, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में होता है CAGI। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू टुडे। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। आपको बहुत सी बातें पता लगी होंगी, इनको रिवाइज करिए, ये आपके बहुत काम आने वाले सेशंस हैं, इनको लाइटली मत लीजिएगा। दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू लॉट इन ऑल योर एग्जाम्स। EPFO में भी देखिएगा, बहुत काम आएंगे। मैंने क्वेश्चंस ही इस तरीके से बनाए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।